रूस यूक्रेन युद्ध में बीते कुछ महीनों में यूक्रेन की स्थिति बदतर हुई है। उसे अपने सहयोगियों से मदद नहीं मिल रही है। हालत यह है कि यूक्रेन के मददगार मीटिंग कर यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं, जिससे कि उसे रूस का मुकाबला करने के लिए जरूरी मदद दी जा सके। उधर यूक्रेन की कमजोर हालत देख रूस ने भी बीते कुछ महीनों से उस पर हमले बढ़ा दिए हैं। रूस आर्मी ने पहले यूक्रेन के अवदीवका शहर पर कब्जा करने के बाद डोनेट्स्क के पास बने पोबेदा गांव पर कब्जा किया। फिर अवदीवका से कुछ ही किलोमीटर दूर लेस्टुकाइन सेटलमेंट से यूक्रेनी सैनिक भाग खड़े हुए और अब जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रूस ने एक बड़ा दावा किया है, जिससे यूक्रेन के साथ ही उसके समर्थकों की चिंता भी बढ़ गई है। रूस ने मंगलवार को दावा किया कि उसकी सेना ने पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ते हुए अवदीवका के पास यूक्रेन के सिवेन गांव पर कब्जा कर लिया है। सिवेन पर रूस का कब्जा रूस की नई उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बलों ने सिवेन पर कब्जा कर लिया और 3 अन्य बस्तियों के पास यूक्रेनी मैन पावर और उपकरणों पर हमला किया। मंत्रालय ने अपने डेली अपडेट में कहा कि सिवेन गांव को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि इस मामले में यूक्रेन का दावा कुछ अलग है। यूक्रेन के सैन्य प्रवक्ता दिमित्री लिखोविय ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी शहर अवदीवका के पास सिवेन और स्टेपो गांव से यूक्रेन खुद ही हट गया है। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इगोर क्लिमेंको ने दावा किया कि मंगलवार को यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में रूसी हमले में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और 4 घायल हो गए। सुमी क्षेत्र रूस की सीमा पर है। यूक्रेन ने 2 साल पहले यानी 2022 में युद्ध शुरू होने पर रूसी सेना को इसी सुमी क्षेत्र से पीछे खदेड़ने का दावा किया था। यूक्रेन इस युद्ध में हर दांव आजमा रहा है, लेकिन जिस तरह से रूस आगे बढ़ रहा है, ऐसे में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। फिलहाल के हालात में वो महज बचाव वाली भूमिका में ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में उसका युद्ध में ज्यादा दिनों तक टिके रहना वाकई मुश्किल होगा।